EIM नेटवर्क में आप सभी का बहुत स्वागत है। आप सभी हमारे चैनल के वीडियोस को रोज देखते हैं, पर कई लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश आम्बेडकर जी और शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे जी के बीच संभावित राजनीतिक गठबंधन हो सकता है, ऐसी चर्चा हो रही है। चर्चा है कि राज्य में शिव शक्ति और भीम शक्ति का सभी को एक नया प्रयोग देखने को मिलेगा। ठाकरे जी और अंबेडकर जी के बीच बुधवार को फोन पर चर्चा हुई थी। उद्धव ठाकरे जी और प्रकाश अंबेडकर जी 20 नवंबर को प्रबोधन कर ठाकरे के कार्यक्रम के लिए मुंबई एक साथ आ रहे हैं, यानी कि ये दो नेता एक दूसरे से मिलेंगे। प्रकाश अंबेडकर जी पहले ही ठाकरे समूह की शिवसेना के साथ गठबंधन के संकेत दे चुके हैं, इसलिए गठबंधन की संभावना प्रबल है। अगर उद्धव ठाकरे जी और प्रकाश अंबेडकर जी एक साथ आते हैं तो उन्हें एनसीपी का विरोध का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा कांग्रेस नाराज हो सकती है। अंबेडकर जी ने कई बार कांग्रेस राष्ट्रवादी के सामने गठबंधन का प्रस्ताव रखा था, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आने पर वंचित बहुजन आघाड़ी ने पिछले विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी के एमआईएम के साथ हाथ मिलाया। अब अगर शिवसेना वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ गई तो राजनीति में एक नया तूफान आएगा। आपको क्या लगता है और आप इस युति को देखना पसंद करेंगे क्या, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।